अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या सोच रही है केतकी? नैना, हमारा शक सही निकला। ये लड़की जैसे दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता है नैना, हमें ना इसके घर में काला जादू का सामान मिला। What? काला जादू? हाँ नैना, उसके पास हमारी एक फोटो थी और कुछ रंग बिरंगी तेलियां भी दिखी, और वैसे ही तेलियां हमें हमारे घर पर भी मिली थी। इसका मतलब वो औरत सरोवर वरदानजी पर कोई काला जादू कर रही है। Oh my God, केतकी, this is so horrible. तो अब क्या करेंगे हम? नहीं नैना, जादू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार की प्रार्थना और माँ का आशीर्वाद, ये सब वरदान जी के ऊपर कवच बनकर उन्हें सारी नकारात्मक शक्तियों से बचाएंगे। लेकिन ये चिट्ठी पर उसका नाम अलग क्यों है? क्या कालिंदी ऐसा कोई खेल खेलने जा रही है जिससे वरदान जी और हमारे परिवार को खतरा हो? मीठी बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आज स्कूल में कौन सी पोएम सीखी? एप्पल खाओगे? चलो अबे, हमें रूम में जाना है। अरे बेटा, बैठो तो, बैठो। देखो, रूम में तो चले जाना, पहले थोड़ी देर बैठ के मुझसे बातें कर लो। हुँ? मुझे ना आपसे फ्रेंडशिप करनी है, और आपको पता है जो भी मेरा फ्रेंड बनता है ना उसके लिए मैं एक बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आती हूँ डेली। हमें नहीं खाना चॉकलेट, जो बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं ना उनके दांत चूहे ले जाते हैं। हमें जाने दो, हमें भूख लग रही है। रुको रुको, आपको भूख लग रही है ना? तो मैं अपने हाथों से आपको खाना खिला देती हूँ, ठीक है? क्योंकि आपकी मम्मा भी नहीं है यहाँ पर आज। हमें नहीं खाना आपके हाथों से खाना। पर क्यों नहीं खाना? क्योंकि आप बैड गर्ल हो, आपकी वजह से हमारे पापा को पनिशमेंट मिली है। तो बेटा मैं बैड गर्ल हूँ, तो पता है बैड गर्ल को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि बैड गर्ल को गुस्सा आता है तो क्या होता है? पता है मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब आपके पापा को पनिशमेंट मिली थी, लेकिन अगर आप और मैं फ्रेंड्स बन जाएंगे ना तो आप मुझे सिखा देना कि गुड गर्ल कैसे बनते हैं, ठीक है? फिर पापा को कभी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कालिंदी चैटर्जी और अभिनव चैटर्जी का मैरिज सर्टिफिकेट। अठारह दिन में कोलकाता फैमिली कोर्ट में सबमिट करना है। मैरिज सर्टिफिकेट? इसका मतलब पहले से शादीशुदा है। Oh my God! मतलब एक शादी से भागकर अब वो तेरे हस्बैंड को अपने जाल में फंसा रही है। तब ये तो जितना सोचा था उससे भी बड़ी चाल निकली यार। जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम ये बात वरदान जी को और घर वालों को नहीं बता सकते, नहीं तो वो तो यही कहेगी कि हमने कोई झूठी चिट्ठी बनाई है उसके खिलाफ। अरे केतकी, लेकिन पक्का सबूत लाएंगे कहां से? हमें पता है कि अब क्या करना है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हम आपको बैड गर्ल से गुड गर्ल बना देंगे, फिर हमारे पापा को पनिशमेंट नहीं मिलेगी ना? बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है? अच्छा अब ना हम गुड गर्ल बनना बाद में सीखेंगे। देखो अब तो हम फ्रेंड्स हैं, है ना? हुँ? तो फ्रेंड्स तो आपस में मस्ती भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ, छुपन छुपाई? यस। ये हम अभी चीकू को बुला के लाते हैं। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ, भाग के भाग के भाग के भाग के।
क्या केत की? खुद तो बाहर घूमने चली गई और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को यहाँ मेरे साथ इस घर में छोड़ गई। लगता है तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि वरदान को पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। अब क्या होगा तेरी बेचारी बच्ची का? डील तो बिल्कुल पक्की थी प्रकाश, कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए थे, रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई थी, फिर एंड मोमेंट पे सिंह साहब ने कैसे ही डील कैंसिल कर दी। डील कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। डैम इट, ये अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं क्या? हम अगली मीटिंग में कैसे जाऊंगा मैं? आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा मैडम? अरे साफ शब्दों में लिखा है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस अयोध्या, तो कोलकाता में हुई शादी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ से कैसे मिलेगा? दुबे जी, इस समय हमारी सहेली के लिए वो मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना बहुत जरूरी है, और आप समझने की कोशिश कीजिए, इस समय इस बेचारी के लिए कोलकाता जाना संभव नहीं है। ये वरदान जी बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? केतकी ने मेरा फोन काट दिया। अरे फोन नहीं उठाएगी तो मैं कपड़े कैसे मंगाऊंगा? मैडम जी देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे देखिए, हमारे पास पहले ही बहुत काम है, आप लोग जाइए यहाँ से। हेलो, अगर मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट होगा ना, फोन कैसे काट सकती हो तुम मेरा? और मेरे कपड़े खराब हो गए तो जल्दी से एक जोड़ी कपड़े लो और जल्दी से ऑफिस पहुंचो। वरदान जी, हम यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं, आपके खास मेहमान घर पर ही हैं। आगे से आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उन्हीं को फोन करके उन्हीं से मंगवा लीजिएगा। आज लगता है दिन ही खराब है। आज घर से निकलने से पहले माँ जी से नजर नहीं उतरवाई थी क्या? तो चलो अब गेम शुरू करते हैं, ठीक है? मैं और मीठी छुप जाते हैं, चीकू तुम हमें ढूंढना, ठीक है? ठीक है। चलो अब जाओ, आंखें बंद करके काउंटिंग करना, ठीक है? 1 2 हम कहीं भी छुपते हैं ना, चीकू हमें ढूंढ लेता है। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं ऐसी जगह छुपती थी कि मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाता था। कहा? अलमारी के अंदर। एक, 9, 10। दुबे जी, आपकी कोई बेटी है? जी, और अगले हफ्ते उसकी शादी है। अरे हमें छुट्टी पर जाना है और काम का टेंशन है, और आप लोग मुझे काम ही नहीं करने दे रहे। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी को एक सुखी संसार मिले, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सहेली को वो सुखी संसार नहीं मिल पाया। इसका पति इसे धोखा दे रहा है, इसके साथ मारपीट कर रहा है। आप भी सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो तो आप तो उसकी तकलीफ समझेंगे ना। सुबे जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाने में हमारी मदद कीजिए। आप इसे अपनी बेटी समझकर हमारी मदद कर दीजिए। हमारा पति हमें मारता पीटता है, इसलिए हम कानून का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तब तक हम उसके खिलाफ केस नहीं दाखिल करवा पाएंगे। एक मिनट, हाँ बासु साहब नमस्कार, दुबे बोल रहे हैं अयोध्या से, वहाँ सब कुशल मंगल? कालिंदी, अब बहुत जल्द हम तुम्हारा सच सबके सामने ला के रहेंगे।
अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।